हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी मैंने प्यार किया फिल्म से कुछ जुड़ी रोचक अनसुनी बातों के बारे में, बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, साथ ही बात करूंगी इस फिल्म के परिणाम के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने प्यार किया फिल्म को 29 दिसंबर 1989 को सिनेमाघरों पर रिलीज किया गया था। दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किए थे सूरज परजातिया ने और प्रोड्यूसर थे ताराचंद परजातिया। इस फिल्म को स्टोरी दिए थे एसएम अहले ने, तो वही म्यूजिक दिए थे राम लक्ष्मण जी ने। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म में सलमान खान, भाग्यश्री, आलोकनाथ, राजीव वर्मा, रीमा लघु, अजीत वचनी, हरीश पटेल, हुमा खान, परवीन दस्तूर, लक्ष्मीकांत बेर्दे, मोहसिन बेहल, दिलीप जोशी, दीप ढिलोन और राजू श्रीवास्तव नजर आए थे। दोस्तों, बात करें इस फिल्म की बजट के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म की बजट थी 2 करोड़ की और यह बॉक्स ऑफिस इंडिया में 14 करोड़ की शानदार कमाई की थी। वही बात करें बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म ने पूरे वर्ल्ड में 28 करोड़ की शानदार कमाई की थी और इसी के साथ यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। यह एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म थी। दोस्तों, अब बात करते हैं मैंने प्यार किया फिल्म से जुड़ी कुछ अनसुनी बातों के बारे में। नंबर एक, दोस्तों मैंने प्यार किया फिल्म 1989 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पहली फिल्म थी। नंबर दो, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि भाग्यश्री ने इस फिल्म में किसिंग सीन करने से मना कर दी थी, यहाँ तक कि इस फिल्म में उन्होंने पहली बार जींस पहनी थी। नंबर तीन, दोस्तों इस फिल्म के लिए भाग्यश्री को 1 लाख की फीस दी गई थी जबकि सलमान खान को 31,000 की फीस दी गई थी। नंबर चार, ये फिल्म सलमान खान की लीड एक्टर के रूप में डेब्यू फिल्म थी। सलमान खान की पहली फिल्म बीबी हो तो ऐसी थी जो सन 1988 में रिलीज हुई थी। नंबर पाँच, भारत में इस फिल्म के 3 करोड़ से भी ज़्यादा टिकट बिके थे। नंबर छः, इस फिल्म को बाद में इंग्लिश, तमिल, मलयालम, तेलुगु और स्पेनिश भाषा में डब करके रिलीज किया गया था। नंबर सात, इस फिल्म के सभी गाने को लता मंगेशकर जी ने एक ही दिन में रिकॉर्ड किए थे और अगले ही दिन वो कॉन्सर्ट के लिए विदेश चली गई थी। नंबर आठ, इस फिल्म में फेमस कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव भी नजर आए थे। ये उनकी दूसरी फिल्म थी, इससे पहले वो तेजाब फिल्म में काम किए थे जो साल 1988 में रिलीज हुई थी। नंबर नौ, इस फिल्म के रिलीज होने के कुछ महीने बाद ही सन 1990 में भाग्यश्री ने शादी कर ली थी। उनकी शादी में सलमान खान और सूरज बरजातिया भी आए थे। नंबर दस, इस फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड में 12 नॉमिनेशन मिले थे जिसमें से इस फिल्म ने 6 अवार्ड्स अपने नाम कर लिया।